उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने चोरी के आरोपियों को पहले गंगा की सौगंध दिलाई, फिर क्लीन चिट देकर घर भेज दिया। अपनी यज्ञशाला के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर एटा की पुलिस जिस वक्त 21वीं सदी में भरोसे वाला ये कमाल दिखा रही थी, करीब करीब उसी समय उत्तर प्रदेश सियासी राह वाले राम राज्य की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा था। फैजाबाद को अयोध्या कैंट, इलाहाबाद को प्रयागराज और मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बना चुकी योगी सरकार ने नामकरण संस्कार का नया संस्करण जारी किया तो नई खेप में उत्तर प्रदेश के 8 स्टेशनों की पहचान बदल गई। सरकारी फैसले की लिस्ट में वारिसगंज हॉल्ट अब अमर शहीद भाले सुल्तान हो गया है, अकबरगंज स्टेशन अब माँ अहोर व भवानी धाम हो चुका है, फुर्सतगंज स्टेशन अब तपेश्वर नाथ धाम कहा जाएगा, कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायस सिटी होगा और जायस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम हो चुका है, निहालगढ़ स्टेशन अब महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा, मिश्रौली स्टेशन का नाम बदलकर माँ कालिकन धाम और बनी स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। ये सारे 8 स्टेशन उसी अमेठी जिले में आते हैं जिसे कांग्रेस का सियासी गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती इससे पहले ही इंडिया गठबंधन से उसके साथ ही मुद्दे की ट्रेन पर सवार हो गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए कुछ समय निकाल कर विचार करें। रेलगाड़ियों के टिकट पर अब तक स्टेशन का नाम नहीं छपा है, लेकिन अखिलेश का मैसेज आया नहीं कि सब बोल पड़े। योगी आदित्यनाथ जो ये काम कर रहे हैं इनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपना नाम बदला, फिर प्रदेश की तमाम योजनाओं का नाम बदला, फिर इसी तरह वो कभी जिलों का नाम बदला, ये काम इनका है। तो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उसको बदल देंगे। गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नामों से अखिलेश यादव जी को बहुत प्रेम रहता है और भारतीय नायकों विशेष करके बहुजन नायकों के नाम से अगर कहीं नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है। स्टेशनों के नाम उत्तर प्रदेश में बदले गए, मामला लोकल था लेकिन लालू यादव की पार्टी ने मामले को नेशनल बना दिया। तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव का सवाल दोहरा दिया, नाम बदलने से काम बदलता है क्या? एक्सीडेंट रुक जाएगा क्या? आप ही बताइए, नाम बदलने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? आजादी के पहले के गुलामी के अंशों को भी समाप्त करेंगे हम, उन चीजों को जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाने का भी काम करेंगे। हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, हम आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं, सुदृढ़ीकरण भी कर रहे हैं, आधुनिक और सब तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नाम में बहुत कुछ रखा है। नेता अपनी सियासी सहूलियतों के हिसाब से जगहों के नाम पहले भी बदलते रहे हैं, आगे भी बदलेंगे। ध्यान आपको रखना है वरना आपकी ट्रेन मिस हो सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.